उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। शिवपाल यादव ने एसपी-बीएसपी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव बंधक हैं और उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा रहा। तो वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि परिवारवाद से वो ऊपर है और यूपी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में भाग लेने आए शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि चुनाव में ना हमें भतीजा देखना ना परिवार, हमें केवल उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है। वहीं अयोध्या में गैर विवादित अधिग्रहण जमीन के बारे में शिवपाल ने कहा कि बीजेपी केवल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहती है। शिवपाल ने जोर देकर कहा कि जितना ही हिंदुओं का देश है उतना ही मुसलमानों का भी देश है। जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आते हैं, तभी राम मंदिर का मुद्दा उठता है और जब विवादित जमीन है तो विवादित जमीन पर तो मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। अगर सहमति हो जाए या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए तब उस पर बात करना चाहिए।